नमस्कार साथियों, यदि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर है और आपने प्रशस्त ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परंतु प्रशस्त ऐप पर आपको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, तो इस वीडियो में इस समस्या का समाधान आपको निश्चित ही मिलने वाला है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको सबसे पहले चैनल पर उचित प्रक्रिया के साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं प्रशस्त ऐप पर प्रिंसिपल या हेड टीचर को वेरीफाई करने की प्रक्रिया। सबसे पहले साथियों, हम देखते हैं कि प्रशस्त ऐप पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन में आपको वेरीफाई किया है या नहीं किया है ये जानकारी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रशस्त ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप प्रशस्त ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ऐप आपके सामने लेकर आएगी। आपका नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। जिस भी डिजिग्नेशन से आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रशस्त ऐप पर किया है वो डिजिग्नेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। अब आपको चेक करना है कि आपको प्रशस्त ऐप ने वेरीफाई किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा टीचर्स या स्पेशल एजुकेटर। दो ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, दोनों में से आप किसी एक पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आए और आपसे कहें कि वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, मतलब आपका जो वेरिफिकेशन है प्रशस्त ऐप पर अभी तक पेंडिंग है। अब ये जो आपका वेरिफिकेशन आपको पेंडिंग मिल रहा है इसका कारण क्या है वो आपको सबसे पहले जानना होगा। तो उसके लिए आपको आ जाना है जहां आपको ये बैक का निशान मिल रहा है, यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आप प्रशस्त ऐप के होम पृष्ठ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रशस्त ऐप पर किया है उस इंफॉर्मेशन को आपको दोबारा यहां पर बताया जाएगा। आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई योर सेल्फ। यदि आपकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन सही है और आप वेरीफाई इस प्रशस्त ऐप की ओर से नहीं हो पाए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाई योर सेल्फ इस वाले ऑप्शन पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पहली कंडीशन में तो प्रशस्त ऐप पर वेरीफाई कर दिए जाएंगे, परंतु आप यहाँ क्लिक करने के उपरांत भी प्रशस्त ऐप पर वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप वीडियो को देखते रहिए। आपको यहाँ पर अगला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्कूल इंफॉर्मेशन का, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप स्कूल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऐप आपके सामने अगला पेज लेकर आएगी जिसमें आपको आपके विद्यालय के यूडाइस कोड यहाँ पर बताए जाएंगे। यूडाइस पोर्टल पर आपकी कौन सी मेल आईडी रजिस्टर है उस मेल आईडी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। आपके विद्यालय की अन्य जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो साथियों, आपको यहाँ देखना है कि जो मेल आईडी आपने रजिस्टर यूडाइस पोर्टल पर कर रखी है यदि उसी मेल आईडी से आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रशस्त ऐप पर किया होगा तो आप वेरीफाई कर दिए जाएंगे, परंतु हो सकता है कि आपने दूसरी मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन प्रशस्त ऐप पर कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो मेल आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है इसी मेल आईडी को उपयोग में लेते हुए प्रशस्त ऐप पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तभी आप प्रशस्त ऐप पर वेरीफाई हो पाएंगे। परंतु अगली कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेल आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है वो मेल आईडी आपके सिस्टम में रन नहीं कर रही है और मेल आईडी बंद हो चुकी है या उसके पासवर्ड आपको पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा ताकि आप प्रशस्त ऐप पर वेरीफाई हो पाए, तो उसके लिए सबसे सिंपल और सरल उपाय ये है कि जो मेल आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है इसको आपको चेंज करना होगा। अब इस मेल आईडी को आप कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए हम देखते हैं आगे प्रक्रिया। यू डाइस इंफॉर्मेशन में से मेल आईडी चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपके सिस्टम का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है
u-plus.gov.in यह टाइप करने के उपरांत आप इसे सर्च कर लीजिएगा। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आप u-dice पोर्टल के होम पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यदि आपको इस पेज तक पहुंचने में दिक्कत आती है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहां पर देखना है, यहां आपको टैब मिलेगी लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे u-dice पर कौन कौन से मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताई जाएगी। आपको अपनी स्कूल इंफॉर्मेशन में मेल आईडी चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहां पर दिया हुआ है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट नेम से ऑप्शन, और उसके सम्मुख आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने लॉगिन करने हैं तो अगला पेज ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां यूजर नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपके डाइस कोड है उन्हें आप यहां पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी u-dice लॉगिन के पासवर्ड क्या है वो पासवर्ड आप यहां पर एंटर कीजिएगा। फिर आपको यहां कुछ कैप्चा कैलकुलेशन डिस्प्ले किए जाएंगे, उन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहां पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। हमारा मुख्य कार्य है कि हम यहां से अपने विद्यालय की मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहां देखने को मिलेगा कॉन्टेक्ट डिटेल और यहां पर ऑप्शन मिलेगा व्यू का, तो आपको जो ये व्यू वाला ऑप्शन मिल रहा है इसी पर क्लिक कर लेना है। अब अगला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आएगा जिसमें आपको स्कूल कॉन्टेक्ट एंड हेड ऑफ स्कूल डिटेल यहां पर डिस्प्ले की जाएगी। तो आपको यहां पर देखना है स्कूल मेल आईडी, यहां जो भी आपको मेल आईडी दिखाई दे रही है वही मेल आईडी आपको प्रशस्त ऐप पर भी दिखाई दे रही होगी। तो यदि ये मेल आईडी आपकी बंद हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस मेल आईडी को यहां से चेंज करना होगा। उसके लिए आपको यहां ऊपर देखना है, यहां एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप एडिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर एडिटेबल दिखाई देगी, तो उसी इंफॉर्मेशन में से आपको क्या करना है, जो मेल आईडी आपको यहां पर डिस्प्ले की जा रही है इसको चेंज करना है। आप इस मेल आईडी को यहां से काट दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके विद्यालय करता हूँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको प्रशस्त ऐप पर प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करने की बताई है, निश्चित ही ये प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको प्रक्रिया उपयोगी लगी हो लेना है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी शिक्षक बंधुओं तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य शिक्षक साथी विद्यालय की मेल आईडी चेंज करने के उपरांत आपको 6 से 8 घंटे का वेट करना है। 6 से 8 घंटे का वेट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रशस्त ऐप को दोबारा ओपन करना है। जब आप प्रशस्त ऐप को दोबारा ओपन करेंगे तो ऐप वापस आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। अब आपकी पोस्ट को आप प्रशस्त ऐप पर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर प्रोफाइल का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ फिर से इसी तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एडिट प्रोफाइल, वेरीफाई योरसेल्फ और स्कूल इंफॉर्मेशन। तो आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है इसमें यदि आपको किसी प्रकार की गलती लगती है और आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है वापस स्कूल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर। जब आप स्कूल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय की इंफॉर्मेशन को ओपन किया जाएगा। अब आपको यहां पर जो मेल आईडी बताई जा रही है वो मेल आईडी
आपने जो यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट की है, यदि वही मेल आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, तो आपको क्या करना है, इस पेज को बैक कर देना है। जैसे ही आप बैक पर क्लिक करेंगे, वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई योरसेल्फ का, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और प्रशस्त ऐप आपको वेरीफाई कर देगी। उम्मीद करता हूँ साथियों, इस वीडियो की सहायता से आपको प्रशस्त ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने में सहयोग मिलेगा। यदि वीडियो आपको सहयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि यदि हमारे अन्य शिक्षक साथी भी प्रशस्त ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या वीडियो संबंधित सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।